कल इंडिया वेस्ट इंडीज़ का घमासान होने वाला है, जहां पर सेमीफाइनल में है इंडिया और वेस्ट इंडीज़। तो आइए जानते हैं फैंस का क्या राय है इस बात पर, क्या कहना चाहेंगे कल घमासान होने वाला है इंडिया वेस्ट इंडीज़ के, उसमें क्या कहेंगे, किस तरह का मैच होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट? कल घमासल तो गेल कल चीरफाड़ कर देगा, ये बुमराह ऐसा है ऐसा बुमराह को देगा, कपाक कपुक कपाक कपुक, बुमराह को मारेगा दूर दूर, फिर वो काला था दूसरा फ्लेचर है वो भी मारेगा, लेकिन अपने पास विराट है तो विराट चेस कर देगा। और ये रोहित वोहित तो सब ऐसा लग रहा है खाना ही नहीं खा रहे, वड़ा पाव खा रहे इंडिया के, उधर वेस्ट इंडीज में किधर गए थे, ऑस्ट्रेलिया में तो अच्छा मार रहे थे उन लोग, यहाँ नहीं खेल पा रहे, तो विराट ही अपना अकेला बाहुबली उठाएगा पूरे इंडिया को, चेस करेगा। इसके अलावा जो है लास्ट मैच में युवराज सिंह घायल हो गए थे, उनको इस मैच में नहीं लिया गया, उनकी जगह पर मनीष पांडे को लिया गया, तो कितना बेनिफिट होगा इंडिया को या फिर मुश्किल हो जाएगी इंडिया? बहुत अच्छा किया युवराज को बिठा दिया, मेरे हिसाब से उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, फोकट एक्टिंग करके लगड़ रहा था उस दिन। हाँ मनीष पांडे अच्छा प्लेयर है, उसको लेना चाहिए, हील करना चाहिए, मनीष पांडे हो गया और राहले को खिलाना चाहिए मेरे ख्याल से, रायला को बिठा के, राहले भी अच्छा खेलता। इसके अलावा बॉलिंग बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की बॉलिंग कैसे लगती है आपको? बॉलिंग तो अच्छी है, लो चीचा अच्छा डाल रहा है, आशीष चीचा आशीष भी अच्छा डाल रहा है, बुमराह भी अच्छा डाल रहा है, दोनों अच्छा डाल रहे हैं। इसके अलावा स्पिनर्स की क्या राय है? वो हरभजन बेचारे को लेना चाहिए, अश्विन 6/6 खा रहा है, धोनी उसको ही खिला रहा है, अश्विन ये क्या नाम उसका, हरभजन, हरभजन को खिलाना चाहिए। इसके अलावा आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? ठीक बोल रहे हैं कि हरभजन को ही खिलाना चाहिए। इंडिया वेस्ट इंडीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे, गेल से कितना डर लगना चाहिए इंडिया को? डरने की थोड़ी बात है, अश्विन ही करते उनके पास भी बैट्समैन है, हमारे पास भी बैट्समैन है, उनके पास भी बॉलर है, हमारे पास भी बॉलर है, तो डरने की तो कोई बात नहीं है। भाई मैं आपको पूरा प्रेडिक्शन दे देता हूँ, इंडिया फाइनल जीत जाएगी चाहे कोई भी आए, क्योंकि इंडिया का कॉन्फिडेंस इतना हाई है, क्योंकि इंडिया जो पिछला मैच जीती है उससे मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया सारी मैचेस जीत जाएगी और फाइनल में आराम से जीत जाएगी इंडिया, कोई शक ही नहीं है। और जितने भी लोग अपना पैसा वैसा लगा रहे इधर उधर इंडिया पे लगाओ भाई, बहुत कमाएंगे तुम लोग, इंडिया जीतने वाला है। हाँ गेल बैटिंग करेगा कुछ भी करेगा, 200 करे 250 करे इंडिया जीत जाएगी, लेकिन इंडिया का जो टॉप ऑर्डर है जैसे रोहित रोहित शर्मा हो गया और शिखर धवन हो गया, दोनों भी फॉर्म में नहीं है, तो एक प्लेयर के ऊपर पूरा मैच नहीं जीता जा सकता, तो उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं नहीं खेलेंगे, सब खेले क्या, इन लोग थोड़े फट्टू लोग, ये वेस्ट इंडीज़ बेचारी नॉर्मल सी साइड है, लोग वेस्ट इंडीज़ से इन लोग क्या मिलता खुल के बैटिंग करे, ऑस्ट्रेलिया थोड़ी डेंजरस है तो डर रहे थे इन लोग शिखर और रोहित, कल वेस्ट इंडीज़ के सामने लोग सब बैटिंग करने वाले, सब जल खेलेंगे। किसकी बात करें जडेजा, हाँ वो तो अच्छा डालता है ना, अगर मेरे को डालेगा तो उसको बहुत बार मारूंगा, क्योंकि वो भी लेफ्टी मैं भी लेफ्टी, उसका बॉल अंदर आता मेरा बॉल बाहर जाता। इसके अलावा आप सब लोग क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, क्या राय है आपकी? क्रिस गेल हो कोई भी हो, डेविड वॉर्नर हो, जब तक धोनी पीछे है कोई भी टिकने वाला नहीं है। हाँ और धोनी के स्पिनर्स का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, कोई भी बैट्समैन हो, कोई भी कितना भी बड़ा सिक्स मारने वाला हो या बाउंड्री मारने वाला हो, धोनी के सामने कोई नहीं चलता, और धोनी अच्छे से हैंडल करता है, और इतना तो है 100% 1% भी नहीं वेस्ट इंडीज़ जीतेगी, 100% इंडिया जीतेगी। और एक तो मुंबई में मैच भी है और स्कोर तो बहुत बनने वाले हैं, शॉर्ट ग्राउंड है, मजा आएगा मैच देखने, और पूरा 100% के इंडिया ही जीतने वाली है, पूरा सपोर्ट है हमारा। रुक जा मेरी कुछ गलती बची, अभी मेरे को लग रहा है रोहित ना 100 मार देगा कल, क्योंकि होल ग्राउंड भी है तो उनका, हां लग रहा है रोहित 100 मारेगा कल, ये रोहित मैन ऑफ द मैच मेरे को देना, उसको बोलना मेरे को मैन ऑफ द मैच, थैंक यू सो मच। सर क्या कहना चाहेंगे, इंडिया वेस्ट इंडीज का सेमीफाइनल होने वाला है, इंडिया जीतेगी, और मैं क्या कहना चाहूंगा, इंडिया ही जीतेगी। क्या कहना चाहेंगे प्लेयर्स के बारे में, कौन सा फेवरेट प्लेयर है? विराट कोहली ऐसा मारेगा कि वेस्ट इंडीज का पत्ता साफ, और मैं क्या कहना चाहूंगा। इसके अलावा सामने वाली टीम में क्रिस गेल भी है? नहीं नहीं, क्रिस गेल वगैरह कुछ नहीं चलने वाले हैं हमारे विराट कोहली के सामने, नजीब भाई है कि नहीं, तो कुछ नहीं चलने वाले हैं, और इंडिया धोनी तो धोने वाला है, और इतना ही नहीं पूरे T20 वर्ल्ड कप इंडिया जीत कर जाएगी, मैं लिख करके दे रहा हूँ पक्का 100%। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कौन जीतेगा मैच? देखिए साहब क्रिकेट की तो कोई गारंटी होती नहीं है, वो भी 2020 बहुत सी मजबूत टीम तो पहले राउंड से बाहर हो गई, इसलिए क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ अगर गेल को संभाल लिया इंडियन बॉलर ने तो फिर पलड़ा इधर का भारी। तो विराट कोहली भी काफ़ी फॉर्म में है, तो उनके लिए विराट के खेल में स्पीड नहीं है, पूरा मतलब इनिंग खेलने के बाद 85 रन बनाते, उतने देर अगर गेल ठहरेगा तो 200 रन बना देगा वो,
ये है मसला। इसके अलावा बॉलर के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बॉलर्स काफी फॉर्म में लग रहे हैं। सब फॉर्म में है, हम सबका निष्कर्ष ये बोलेंगे इंडिया जीतेगी। हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते, इंडिया जीतेगी, एकदम इंडिया जीतेगी। ओके थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। चेस करना चाहिए कल, क्योंकि चेजिंग में अच्छा है, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहा है। और दूसरी बात यह है कि विराट कोहली तो बैटिंग ही नहीं आएगी, जैसे उसने कमेंट किया था वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन ने कि हम उसको बैटिंग नहीं देंगे, तो रोहित शर्मा और धवन दोनों ही मार के आने वाले वन साइड। लेकिन इतने टाइम से दोनों ने कुछ भी नहीं खेला है, तो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मैच सेमीफाइनल में नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे जी? और बॉलर की बात करें तो बॉलर फॉर्म में लग रहे हैं, तो उनके लिए क्या विशेष होगी आपके? बॉलर फॉर्म में है और गेल का विकेट डेफिनेटली अश्विन लेके जाएगा जी। इसके अलावा गेल भी काफी फॉर्म में लग रहे हैं, उन्होंने लास्ट मैच में 100 रन बनाए, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? कोई किस्मत की बात है, कुछ कहना चाहेंगे आप अपने तरफ से गेल को कि 0 पे आउट होके चला जाए भाई, इतना मारना नहीं इंडिया को। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू।